साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। पहले बात आगे कुछ इंपॉर्टेंट मैं जानकारी देना चाहूँगा, इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो पहले साथियों कोरोना के अपडेट बता देते हैं। 4 मई तक की दुबई में कोरोना के अपडेट क्या, भाई 14,730 अभी तक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 130 से प्लस अभी तक डेथ हो चुकी हैं और लगभग 3,000 बंदों को रिकवर कर लिया गया है। यह तो है कोरोना अपडेट। इसके बाद में साथियों बात करते हैं कि ऑनलाइन मैंने सुबह आपको बताया वीडियो डाला था दुबई से रिलेटेड, टिकट आपको पता है 7 मई से इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है, भाई 7 मई से टिकट स्टार्ट है, आपको पता ही होगा जो से भी जहाज़ से हवाई जहाज़ों से आपको निकाला जाएगा वहाँ से गल्फ की कंट्रियाँ हैं या जितनी भी कंट्रियाँ हैं औरों की जो भी कंट्रियाँ सब कंट्रियों से बड़े स्तर पर इसको पैमाने पर लगाया जाएगा। बहुत सारे 650 जो विमान मैंने आपको पहले बताए थे सबको एक साथ रेडी करके राज्य स्तर पर ये सबको अलग अलग जो बंदा जिस राज्य का है वहीं उनको सबको सेटल करने की कोशिश की जाएगी। बाकी वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी थी। आज हम बात करते हैं साथियों दुबई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडिया आने वाले आज से 4 दिन पहले 1,50,000 थे और आज तक की मैं बात करूं 5 मई तक की तो मेरे हिसाब से कम 2,00,000 बंदे इंडिया आने वाले हैं। दुबई ओनली 2,00,000 आएंगे तो उसके बाद में 5 कंट्रियाँ और बचती है, भाई उनमें से आप कितना मानते हो? तो कम से कम गलत से मैं से 4 से 5 लाख बंदे आने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगा लीजिए रिक्वेस्ट करके कि टाइम लगेगा भाई रिकवर करने में। ये नहीं है कि 7 तारीख से टिकटें स्टार्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई तो 8 को 9 को आप इंडिया पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। 5-7 दिन 10 दिन का टाइम इसमें लग सकता है। उससे पहले अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ज़रूर करवा लें, जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी को फ्लाइट्स में जगह मिल पाएगी। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपके साथ वाले ने अगर इंडिया आना चाहता है नहीं करवाया तो गौर कर लीजिए। दूसरी बात करते हैं भाई, इनमें से जितने भी लोगों ने रीज़न बताए इंडिया आने के उसमें से 40% लोगों ने लगभग ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जॉब चला गया। 40 से 50 हज़ार लोगों ने कि हमारा जॉब जाने की वजह से हम इंडिया आना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग विजिटर भी थे, कुछ लोग आना चाहते हैं ऐसे कोई बीमार थे वगैरह वगैरह, लेकिन जब से ज़्यादा जॉब लॉस हैं वही बंदे आना चाहते हैं। लेकिन देखिए भाई अच्छी बात है आप आ रहे हो, लेकिन दुबई मैं बता दूं कि जहाँ तक मेरी सोच है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सिस्टम को, सबसे पहले रिकवर दुबई गवर्नमेंट करेगी, यूएई गवर्नमेंट करने वाली है, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका ये जो बड़े बड़े अपने को 30 मार का समझते हैं ना ये भी रिकवर नहीं होंगे 2020 में, लेकिन दुबई 2 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगी। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं मिलेगा जॉब नहीं मिलेगा इस वजह से हम इंडिया जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा मेहरबानी करके ये मई निकाल दो। अगर मई निकाल दोगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। आप निगेटिव देख रहे हो कि जॉब नहीं मिल रहा है हमें घर जाना है, लेकिन आएंगे कितने लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में लगभग जो है ना खाली एक तरह से बहुत सारे बंदे निकलेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगस्त में ये मई चल रहा है, मई जून जुलाई तक गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम वीज़ा स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा री स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। तो वहाँ जो बैठे हैं दूसरी बात, वीज़ा आपकी एक्सपायरी डेट 2020 बढ़ा दी आपको पता है, दिसंबर तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा रहना खाना पड़ेगा वो भाई आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर जॉब लगना है, भाई फिर भी आप देख लीजिए अभी 8-10 दिन रिकवर होने में लग जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने बंदे हो सकें आप रुकने की सोचें ताकि घर आके आपको निराशा हाथ नहीं लगे। ये इंडिया यही है जो आप 1-2 महीने 6 महीने पहले छोड़ के गए थे, वही घर है, उससे डाउन ही गया है कोरोना में, ऊपर नहीं गया। तो थोड़ा सा मैं बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, हालांकि मुझे कोई आप वहाँ रुकोगे तनख्वाह नहीं दोगे मेरे घर पे नहीं भेजोगे, लेकिन गरीब बंदे हैं मजदूरी करने वाले लाखों रुपए ब्याज पे उठा के एजेंटों के थ्रू वहाँ पे पहुँचे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ तक हो सके मई में निकाल दो, 100% दुबई रिकवर हो जाएगा 2 महीने के अंदर, ये मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के हिसाब से, और गवर्नमेंट ने तो खुद ने भी घोषणा कर दी। आप एग्जांपल ये देखिए, सबसे पहले पूरा लॉकडाउन खोलने वाला दुबई है पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से, इतनी छूट जितनी दुबई ने दी है ना यूएई ने दी उतनी किसी ने नहीं दी, और वैसे भी बेस्ट है भाई, सब बातें मैं एक साथ नहीं बता सकता आपको। दूसरी बात भाई, अभी तो आज की न्यूज़ ये है, आप थोड़े अपने हिसाब से सर्च करना कि दुबई ने वैक्सीन का टिक्का बना लिया, वैक्सीन बना ली यार। अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितनी भी जाँच है ना वो फ्री में होने वाली है, तो ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज़ है। आप टिक्का बनाया आप अपने सार पे सर्च कर लेना, मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा था तो मेरे सामने आया, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। हालांकि इस न्यूज़ को मैं प्रूफ नहीं मानता लेकिन ये सुनने में आ रहा है, तो आप भी थोड़ा देख लीजिए यार। वैक्सीन अगर दुबई ने बना ली है तो वर्ल्ड में आज तक तो भाई किसी ने बनाई नहीं है। हाँ कोशिश सब देशों की जारी है,
इंडिया के लगभग 88 डॉक्टर्स दुबई पहुंचे हैं जो वहाँ के लोगों का इलाज करेंगे दुबई डॉक्टरों के साथ मिलके, तो ये भी ठीक न्यूज़ है। तो कहने का मतलब न्यूज़ सब अच्छी हैं, अब फैसला आपको करना है कि आप करना क्या चाहते हो। बस साथियों यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।